अहंकारी है, अभिमानी है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, आप बंद करो चिल्ला रहे। देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में मीडिया नहीं खाते। चलिए चलिए हम आएंगे ना दोस्ती बनाने के लिए। आप तो जाओ पाकिस्तान तो बोलो ना। हाँ हम देश में जाते हैं, आपके घर आके भी खाएंगे। राजनीति की बिसात पर मोहरे बिक चुके हैं और राजनीति एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ हर 5 साल में इम्तिहान देना होता है। इम्तिहान की घड़ी है और 5 सालों का लेखा जोखा अब वक्त आ चुका है। मगर इस बार सिर्फ 5 साल का लेखा जोखा नहीं है, इस बार लेखा जोखा है 25 सालों। 25 सालों से लगातार वडोदरा महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र राज्य है। ये छत्र जो है 25 सालों से फल फूल रहा है। वडोदरा की जनता की उम्मीद है क्या इन 25 सालों में पूरी हो पाई है। मेरा नाम है विवेक सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं संवाद। मेरे साथ पैनल में है इस वक्त संजीव जी जो कि मीडिया के कन्वेनर है सेंट्रल जोन के। हमारे साथ कांग्रेस से है जोशी, हमारे साथ कांग्रेस से ही है बिलेश जी और एक स्टूडेंट लीडर हमारे साथ हैं राकेश पंजाबी। और इस बार एक नोटा का पहलू भी उभर के आ रहा है, तो नोटा पर अपना विचार रखने के लिए हमारे साथ राजीव पटेल। तो पहला सवाल मैं संजीव जी से पूछना चाहूंगा क्योंकि सवालों के घेरे में वही होते हैं जिनका राज्य होता है, जिनके पास बागडोर होती है। तो बड़ौदा की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के पास थे संजीव जी, पिछले 5 सालों से नहीं, पिछले 25 सालों से। तो आज जनता हिसाब मांग रही है कि 25 सालों में आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वडोदरा की जनता को क्या दिया। देखिए आपने खूब सही कहा कि जनता अभी से हिसाब मांगेगी और हम देखो भी तैयार है हिसाब देने के लिए। पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सुराज्य वडोदरा शहर में है। शहर में 10 लाख की बस्ती थी, आज 20 लाख से गरीब शहर पहुंचा है। शहर पहले जो एरिया में था दुगना हो गया है। जैसे जैसे शहर दुगना हुआ है, जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ी है, शहर का क्षेत्रफल बढ़ा है, तो वैसे वैसे सुविधाओं भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनी है। इसी के कारण हर 5 साल में जो कॉरपोरेशन का चुनाव होता है, तो हमने हर 5 साल में आने वाले 5 सालों में क्या करना चाहिए, आने वाले 5 सालों में क्या क्षेत्रफल का विकास होगा, क्या लोगों का विकास होगा, क्या बस्ती का विकास होगा, वो जानकर हमने इस शहर का हर तरफ से, क्योंकि बड़ौदा शहर ऐसा है कि बिल्कुल सर्कुलर 360 डिग्री शहर बढ़ता जाता है। तो हमने शहर में जितने भी 18 मीटर के रोड थे उसको डिवाइडर बनाया, फिर 36 आपको। आप कांग्रेस का सवाल पूछते थे कि 60 सालों में क्या किया, आज 25 सालों के बाद हम ये पूछना चाहते हैं कि सर ये पूछना चाहते हैं कि अगर आज भी जो मूलभूत समस्या है जैसे कि सड़क, बिजली और पानी, यही मूलभूत समस्याएं अगर कायम है, आपको पता होगा हर बरसात में सड़कों की क्या हालत होती है, तो अगर 25 सालों में हम बेसिक्स पे काम नहीं कर पाए। नहीं, देखिए जो मूलभूत समस्या आज इतनी नहीं है जितनी पहले थी और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। समस्या कभी आपका घर होगा तो भी 100% समस्या कोई भी दिन नहीं प्राप्त होगी। समस्या होनी है पर समस्या का सही ढंग से, सही मायने से उसका निरूपण किया जाए, यही भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया रहती है। आपने कहा, मैंने पहले ही कहा कि शहर जैसे जैसे बढ़ता गया, डेवलपमेंट का कार्य करते गए और पहले जो हमारी सीट्स की जो परसेंटेज थी, तो हर 5 सालों में वो बढ़ोतरी हुई, समझिए। और आने वाले इस चुनाव में हमारा मिशन 76 है। तो कल ही हमारे माननीय सीआर पाटिल जी ने कहा कि इस बार कांग्रेस 2 अंक भी नहीं प्राप्त कर पाएगी, तो यही लोगों की भी चाहना है। हमारे उम्मीदवार गली गली में घूमते हैं क्योंकि हर वडोदरा की हर गली में आज पेवर्स ब्लॉक डले हुए हैं, वडोदरा की हर गली में पानी है, वडोदरा की हर गली में ड्रेनेज लाइन है, हर सेवा बस्ती में जाकर ये काम किया है। वडोदरा शहर में पहले 25 सालों में 5 फ्लाईओवर थे, आज 22 फ्लाईओवर हो गए। पहले 60 वडोदरा शहर जो बागों की नगरी से जाना जाता है, पहले 60 बागवान थे, आज 116 हो गए। मतलब 60 साल में जो 25 साल पहले जो 55 साल में
60 था, आज पिछले 25 सालों में वो दुगना किया है। वैसे फ्लाईओवर देखा जाए, सभी चीज देखी जाए तो शहर का विकास, हमने दो रिंग रोड बनाए 36 मीटर का, 40 मीटर का, और उसके बाद और एक नया रिंग रोड 75 मीटर का आ रहा है। तो नए 7 गांव उसको भी हुडा की टीपी से कॉर्पोरेशन में हमने सम्मिलित किया है। तो आने वाले दिनों में वहां पर भी जो समस्या है उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस गांवों को अंदर सम्मिलितकरण किया गया है और वहीं पर भी विकास होगा। सही क्षेत्र का सही जात सही ज्ञात, जहां पर भी हमारे विभिन्न ज्ञाति के लोग रहते हैं, हर जगह पर बड़ौदा शहर का विकास हुआ। इसी के कारण पिछले 5 वर्षों से हर 5 वर्ष में हमको ये मिलता है। मैं तो कहता हूं केवल हम 5 साल में नहीं जाते, क्योंकि 5 साल में इलेक्शन 3 बार आता है सर, तो 3 बार हर बार बड़ौदा की जीत। चलिए इसी बात पर आते हैं, कांग्रेस के रज्जु जोशी हैं, सड़क पानी और बिजली, हम मतलब मूलभूत समस्याओं की बात कर रहे थे। पंचोली साहब ने कहा कि जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या के हिसाब से 25 सालों में इन्होंने डेवलपमेंट भी किया है, तो रज्जु क्या कहेंगे कि या तो कांग्रेस लोगों की आवाज को उठा नहीं पा रही है कि 25 सालों से आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, या फिर वडोदरा के लोग और गुजरात के लोग आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में? देखिए कांग्रेस पार्टी तो अपना काम कर रही है, लेकिन जब चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटकाने की राजनीति करती है। इन्होंने कहा कि 25 साल के पहले बस्ती 10 लाख थी, अभी ज्यादा है। मैं एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ इतने सालों पहले वडोदरा बनाया, वो वडोदरा में आजवा सरोवर दिया, वो वडोदरा में MS यूनिवर्सिटी बनाई, वो वडोदरा में सयाजी गार्डन बनाए, तालाब बनाए, नदी बनाए। आज वो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जो दीर्घ दृष्टि इसको बोलते हैं, तो उनका दिया वही आज है और वो भी इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है। ये बात कर रहे हैं कि हमने ये रोड बनाया, ये ब्रिज बनाया, ऐसा किया क्या? पब्लिक टैक्स भरती है, एक ही पार्टी का सांसद 25 साल से, एक ही पार्टी का बीजेपी का सांसद 25 साल से, एक ही पार्टी के वडोदरा में विधायक है 25 साल से, मेयर भी बीजेपी से है। तो आज भी मुद्दा क्या है? आज आप मीडिया के माध्यम से आप जनता के बीच जाते हैं तो आज मुद्दा वही है, रोड रास्ता पानी ड्रेनेज। लेकिन आपने तो मुद्दे को चेंज कर दिया, आप डेटिंग डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए हम है ना, हम अपनी मन की बात कांग्रेस पार्टी से मन की बात नहीं कर दी है, हमने हेलो गुजरात कैंपेन के तहत पूरे गुजरात में हमने सर्वे करवाया और जो यूथ का जो डिमांड था वो यूथ क्या चाहता है, जैसे फॉर मैं खुद का मेरा एग्जांपल देना चाहता हूँ और उसमें मुझे कोई शर्म महसूस नहीं है। मैंने आपको यहाँ से आने से पहले 4 से 5 फोन किए कि सीक्रेट किचन का है मुझे नहीं मालूम, ठीक है, क्योंकि अगर ये बड़ी जगह, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं यहाँ पे नहीं आया था। तो मेरे जैसे काफी सारे यूथ है, युवा है, जो चाहते हैं कि भाई उनकी भी आवाज सुनी जाए। तो हेलो गुजरात कैंपेन के तहत हमने ये मैनिफेस्टो बनाया और लोगों की बात, जनता की बात, युवा क्या चाहता है, यूथ क्या चाहता है, वो बात हमने रखी। तो लेकिन बात यहाँ पे विकास की जो ये कर रहे हैं, तो बार बार कह रहे हैं प्राथमिकता क्या सड़क और पानी और बिजली नहीं है, तो हमारे मैनिफेस्टो में है कि सड़क जो इन्होंने भ्रष्टाचार करके 25 साल में जो सड़क अभी आप बाहर देखिए 4 रास्ता पे मैंने देखा है, ये जो ब्रिज की बात कर रहे हैं 2-2, 3-3 साल से काम चल रहा है, कितने ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है उनको वापस काम दिया है, टेंडर में जो प्रक्रिया होती है क्या वो फॉलो हो रहा है कॉर्पोरेशन में? नहीं हो रहा है। बात ये है कि ये हमेशा बोल रहे हैं कि हमने किया। ये पब्लिक जब टैक्स भरती है ना, उसके पैसे मेहनत पसीने की कमाई से, वडोदरा की जनता की मेहनत पसीने की कमाई है, उसके ऊपर ये काम करने की बात करते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से फंड आता है, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस सरकार थी, और तभी भी हाईवे ब्रिज बने हैं। कॉर्पोरेशन की तिजोरी तो खाली है, न्यूज़पेपर में आया कि कॉर्पोरेशन की तिजोरी खाली हो गई, तो स्मार्ट सिटी का जो फंड आया, क्या वडोदरा स्मार्ट सिटी हुआ? फिर विश्वामित्री रिवर फ्रंट में जो करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, क्या वो काम हुआ? नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात 2010 की एक बात मैं इनको याद करना चाहता हूँ, जब आज जो देश के प्रधानमंत्री है तब वो मुख्यमंत्री थे, और 24/7 की पानी की योजना नूर के तहत उन्होंने 40 करोड़ का खर्चा अभी तक हो चुका है, लेकिन वो हुआ नहीं। पानी के मीटर आज भी पानी गेट के वहां पे स्टेशन पे वो पानी के मीटर वहां पे भंगार में पड़े। तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदे करते हैं, हमने जो मैनिफेस्टो बताया जनता की बात है, जनता के मन की बात, हम खुद की मन की बात नहीं करते। अच्छा, कांग्रेस से पैनल में हमारे साथ एडवोकेट किशोर पिल्ले जी भी हैं, मैं उनसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि अहमदाबाद के जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं उसमें अहमदाबाद की 3 सीटें कांग्रेस बिना लड़े हुए हार गई,
वडोदरा में पोर की एक सीट है, कांग्रेस बिना लड़े हुए हार गई। तो क्या कांग्रेस की तैयारी, अगर आप युद्ध में उतरते हैं, लड़ने के लिए उतरते हैं, आप हथियार लेके नहीं जाएंगे, तो लोगों के मन में ये धारणा पनपते जा रही है कि कहीं गुजरात में समझौता एक्सप्रेस तो नहीं चल रहा। और वडोदरा में भी अगर बात की जाए तो कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने अपने एरिया बांट रखे हैं, जो गद्दावर नेता हैं उन्होंने अपने अपने एरिया बांट रखे हैं, और इसलिए कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरती ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और भारतीय जनता पार्टी के सामने खुला मैदान है। क्या कहेंगे किशोर जी? जब सवाल किया तो उसका जवाब देना है, बाकी तो मैं चाहता हूँ कि अभी जब दो दिन बाकी है तो वडोदरा की मुद्दा जो है उसी के ऊपर बात करें। अहमदाबाद में जो भी हुआ वो निर्भाग्य है और जो भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। नहीं मतलब आप इतनी बड़ी पार्टी है सर, और आपका आप रिजर्व सीट पर कैंडिडेट उतारते हैं और उसको जनरल कोटा का, मतलब आप ये किस तरह की पार्टी है सर, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और मतलब इतनी बड़ी गलती कर देते हैं आप। मैं ये लाइटली नहीं ले रहा हूँ आपकी जो कमेंट है। आपने देखा होगा भाजपा में भी ऐसा हुआ है, भाजपा में आप कल के पेपर में देखो उनका भी ऐसा नहीं कि भाजपा का हो तो हमारा हो और एक दूसरे का हो, लेकिन वो भी निर्भाग्य है। जो भी लीगल डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो झकास लिया है, जो जो कमी हुआ, जो भी हमारे लीगल डिपार्टमेंट में अहमदाबाद हो या अन्य ग्रामीण विस्तार में हो, उसके ऊपर पार्टी गंभीरता से तपास करेगी और आगे आने वाले इलेक्शन में ये वापस रिपीट नहीं ऐसा हम लोग पूरा पूरा तैयारी करेंगे। और रही बात जो स्थानिक जो वडोदरा का मुद्दा पर, मैं इसके लिए बार बार लाना चाहता हूँ क्योंकि आने वाले दो दिन में पूरा पूरा संदेह है कि ये मुद्दा वडोदरा में से हटा के दूसरी कोई मुद्दा ऊपर ले जाए। आज की तारीख में जब मंच ऊपर नोटा का एक रिप्रेजेंटेटिव को बिठाना पड़ा, उसमें से हम पता दूसरे भी पार्टी है वडोदरा में, क्यों नोटा वाला वक्ता क्यों बिठाते, ड्यू रेस्पेक्ट टू द नोटा रिप्रेजेंटेटिव, राष्ट्रीय जो 25 साल का शासन को ऊपर पब्लिक इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि समझौता एक्सप्रेस का जवाब नहीं, समझौता एक्सप्रेस के ऊपर ही नहीं दे रहा। मैं सबसे बड़ा चुनौती अगर इस इलेक्शन में है और बदलाव की तरफ जो पब्लिक की भावना है वो अगर फेल होने वाला है तो नोटा में इतना सारा वोट नहीं जाएंगे, लेकिन जो बहिष्कार का जो लगे हुए हैं कि मैं पार्टी का नाम लेके बोल रहा हूँ, नॉर्मली इलेक्शन में नाम लेना जरूरी है, इसलिए बहुत सारा सोसाइटी में खुद देख गया बीजेपी की भी एंट्री बना है, ये सबसे बड़ा खतरा बना हुआ। ये जो आज का वाइवर्ड में जो पब्लिक नाराज है, आज अगर समझे कि कोई भी आप पार्टी का हो, बड़ौदा अपनी है, मैं खुद जब जाता हूँ कोई बॉम्बे में कोई केस लड़ने के लिए जाता हूँ, स्टाफ फैसिलिटी का ऑपरेशन मिलती है, लेकिन मैं कैसे भी करूँ फ्लाइट या ट्रेन पकड़ में बड़ौदा आ जाता हूँ, बड़ौदा में जो अपना जो एक अपनापन महसूस होता है, और बड़ौदा जब वापस आके जब नींद की बात आती है तब मच्छर मारने के लिए आधा घंटा पौना घंटा, ये बड़ौदा का सिचुएशन जब पैदा हुआ ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप इलेक्शन बॉयकॉट करते हो तो 5 साल आपको वापस यही झेलना पड़ेगा। बंधारण ने आपको अधिकार दिया हर एक 5 साल में आपका मन की बात बटन दबा के वो अपना जो मन की बात रजू करने के लिए, क्योंकि बाकी आप कोई भी जगह पर रजूआत करो आंदोलन करो, मेरे ऊपर तो इतना सारा केस नहीं, लेकिन ऋतुज भाई का मुझे पता है हर रोज कोर्ट का चक्कर काटते हैं आंदोलन के ऊपर 188 या कोई भी अन्य कलम उनके ऊपर लगता है, या फिर कोर्ट में जाओ या फिर पुलिस में कंप्लेंट करो, कलेक्टर में करो, मिनिस्टर को रिजवान को कोई बल नहीं, लेकिन 5 साल में एक बार जो आपको अधिकार दिया गया उस बटन आप दबाओगे, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं, अगर 23 तारीख के इलेक्शन में हमारा जो जो कैलकुलेशन सही निकला, यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो रहा है और जिस दिन 23 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट बाहर आएगी अगले दिन पेट्रोल का भाव तक डाउन होगा, क्योंकि बड़ौदा का संदेश पूरा देश में जाने वाला है। 130 करोड़ जनता को अगर राहत देनी है तो बड़ौदा वाले को बटन जाना कि बड़ौदा जो अपना पूरा राष्ट्रीय सत्ता में करो कम, मेघालय में कल हुआ शायद मेरे मित्र को पता है, कल कॉमरेड संगमन जी ने 5 रुपया कल मेघालय में किया, गुजरात में भी करने के लिए बटन आपको दबानी है, बहिष्कार नहीं ना नोटा सत्ता पक्ष के विरोध में वोट गई। हम संजीव जी से अगला सवाल पूछेंगे, उससे पहले हमारे साथ हमारे गेस्ट एडिटर जीतू भाई जोवन पुत्रा भी हैं, तो और हमारे दूसरे हमारे सह पत्रकार रश्मि जी और प्रशांत, तो प्रशांत जरा माइक जीतू जी को दो। जीतू जी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 25 सालों से वडोदरा में है उनसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि वडोदरा की जनता को यूं लगता है कि कांग्रेस जो है मजबूत विपक्ष का काम नहीं कर पा रही है, और इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 2 आदमों में नहीं पहुंच पाएगी कांग्रेस, तो क्या सवाल पूछना चाहेंगे सत्ता पक्ष के लोगों से? सबसे पहले तो मैं संजीव जी से पूछूंगा, उन्होंने बताया कि 10 लाख से 20 लाख की हुई, शायद उनको पता होगा कि जो गांवों को
कॉरपोरेशन के अंदर लाया गया तो उसका कितना विरोध हुआ था, उसका विरोध का मुद्दा क्या था। जैसे इस डिबेट जो चल रही है वो मूलभूत जो जरूरियात है उस पर चल रही है। मैं संजीव जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही था कि गांव कॉरपोरेशन में आना नहीं चाहते थे, और उनका क्या कहना था कि उनको मूलभूत जरूरियात जो पीछे जो गांव कॉरपोरेशन के अंदर आए हैं उनको नहीं मिली है। स्थानीय स्वराज्य की जो भी चुनावी होती है, जो भी इलेक्शन होता है, उसका मुद्दा यही होता है। आम आदमी यही चाहता है कि उसको जो मूलभूत जरूरियात। अच्छा पानी, एक आपने जो उनको जवाब दिया, संजय जी को वही बोला, फिर वो जवाब दे पानी की बात रही, पानी के लिए कितने आते हैं, यहाँ तक कि मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, प्रेशर का प्रॉब्लम था, सोल्व नहीं हो रहा था कॉरपोरेशन का, मिनिस्टर इन्वॉल्व हुए, मेयर की पूरी टीम इन्वॉल्व हुई, कितने दिनों का खाने के बाद भी उतने दिनों में वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, उसके बाद सोल्व होने के बाद थोड़े ही दिनों के बाद वापस वो इश्यू खड़ा हुआ। कल प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, अच्छा दूसरा ये था, एक तो प्रेशर से पानी नहीं मिल रहा है अभी भी, दूसरा पानी जो मिल रहा है कहीं जगह पर भी गंदा पानी मिल रहा है, जीवात निकलती है बहुत कम जगह, जब निकलती है आप स्वीकारते हो बहुत कम जगह पर, संजीव जी खुद स्वीकार रहे हैं कि निकलती है लेकिन कम जगह पर, टैक्स तो वो लोग भी देते हैं जिनके घर जीवात निकलती है वो टैक्स देता है, मैं संजीव जी को ये पूछना चाहूंगा। हाँ तो मेरा सबसे पहले आपको ये बात कहनी है कि जहां पर हमारे मिनिस्टर इन्वॉल्व हुए थे तो एक अच्छी बात है, समझिए अगर लोगों के प्रश्न है, कोई मिनिस्टर अगर केंद्र के हमारे राज्य के राज्य कक्षा के मंत्री अगर इन्वॉल्व होते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो बहुत अच्छी बात है, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ भी, और कल भी हमारे सीआर पाटिल साहब ने वो भी कहा है कि भाई आने वाले दिनों में ये काम किया जाएगा। हम इसीलिए कहते हैं कि अभी 500 ml पानी बड़ौदा शहर को मिल रहा है, और ज्यादा 150 ml पानी मिलने के 3-4 महीने में वो व्यवस्था की गई है, सिंधरौड से और फ्रेंच वेल बनाकर वो ज्यादा 150 ml पानी आएगा। जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम है साउथ एरिया में जहां पर वडोदरा में कम प्रेशर से पानी आता है वहां पर वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा दूसरी बात आपने कही कि वो गांव की बात, गांव में ऐसा है कि आज जितने भी गांव जो 7 गांव कॉरपोरेशन में सम्मिलित हुए हैं वो सभी 7 गांव में अच्छे रोड से अच्छी ड्रेनेज लाइन है, अच्छी पानी की सिस्टम है, वहां के सरपंच भी अच्छे कार्य कर रहे थे और ज्यादातर सरपंच वही सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के थे। अच्छा अभी बात यह है कि गांव के लोग अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आएंगे तो उनको वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स भरना पड़ेगा, गांव की पंचायत का टैक्स कम होता है, वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लेवल ज्यादा होने की वजह से गांवों के सरपंचों की और गांवों के लोगों की यह प्रतिक्रिया थी कि भाई हमें टीपी एरिया में भले हमें है पर हमें नहीं आना है। अभी हम देख ले हमारे पास बिल गांव है, बायली गांव है, वो गांव की काफी सारी जमीन टीपी एरिया में है, तो पहले वो बूढ़ा की टीपी एरिया थी तो वहां पर बूढ़ा की टीपी एरिया के चलते हुए कॉरपोरेशन का वहां पर काम नहीं होता था, तो अभी बूढ़ा का जो विस्तार था जहां पर बूढ़ा की टाउन प्लानिंग की स्कीम थी वो कॉरपोरेशन के आने की वजह से कॉरपोरेशन में जो भी डेवलपमेंट है नहर पानी ड्रेनेज का रास्ते तो काफी जगह पे हुए पर जो पानी ड्रेनेज का जो ज्यादातर प्रॉब्लम है लाइट्स भी है, मुझे पता है क्योंकि मैं बिल गांव में घूमता हूं, बायली गांव में घूमता हूं, रात को मैं ग्रुप मीटिंग्स भी लेता हूं तो मुझे वहां की सभी प्रॉब्लम्स पता है, इसीलिए बिल गांव से भी हमने एक उम्मीदवार चुनी है कि वो वहां के स्थानीय प्रश्नों को समझे। हर जगह पे पार्टी ने एक तैयारी करी है कि ये छोटे छोटे जो इश्यूज जो है हर जगह पर, तो अभी जो डेवलपमेंट का क्षेत्र जो हो गया है वहां से कॉरपोरेशन को ज्यादा टैक्स भी मिलने वाला है तो वहीं पर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाला है। आने वाले दिनों में विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी यही कार्य से काम करते हैं। अब मुझे डेटिंग का भी जवाब देना है, इन कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रवक्ता ने बताया कि भाई डेटिंग हमने हेलो जो उनका कोई प्रोजेक्ट था उसके हिसाब से किया है, बहुत मुद्दे हैं आपका जो डेटिंग का मुद्दा है, आपका जो डेटिंग का मुद्दा है टिप्पणी करनी है क्योंकि यही टिप्पणी वडोदरा शहर एक सांस्कृतिक पाटनगर है, गुजरात की धरोहर है और जहां पर आप ऐसे घिनौने बच्चों को बिगाड़ने का एक सॉल्यूशन लेके आते हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी को शोभा देती है? अगर लव जिहाद,
तो चल रहा है, इससे इसको बढ़ावा मिलेगा क्योंकि कांग्रेस के कल्चर में है, उन लोगों की डेटिंग से ही मैरिज हुए, इंदिरा गांधी की डेटिंग मिस्टर गांधी से हुई थी, वैसे हुआ राहुल गांधी, राजीव गांधी जी में डेटिंग है, इंटरनेट से साफ आपको मालूम नहीं राहुल चुनाव का प्रिया क्या है, गांधी की भी वाटा से डेटिंग हुई, आपकी कल्चर ही डेटिंग है, आपकी केवल कल्चर डेटिंग है, भाजपा के नेताओं ने शोषण किया कच्छ के अंदर, आपके भाजपा आपका एक शब्द बोल लो उसके बाद आपको मौका दे रहे हैं, हम संजीव जी को ये कहना चाहते हैं कि ये कहना चाहता हूँ कि वडोदरा संस्कार नगरी है, मगर हमने ऐसी संस्कार नगरी की परिकल्पना नहीं की थी जहाँ बारिश में कमर तक गड्ढों में हमें निकालनी पड़े अपनी गाड़ी, हमें ना तो डेटिंग डेस्टिनेशन की जरूरत है और ना उस संस्कार नगरी की जरूरत है जहां पर गड्ढों तक पानी में और जो गड्ढे हो जाते हैं बरसात में, हम वो नहीं चाहते। ऋतिक जी आप इनका जवाब दीजिए और जरा हमें शालीनता से, क्योंकि मैं एकदम शालीनता से बात करूंगा, यानी जब मैं बोल रहा था तो काफी शालीनता हुई, नहीं जब मैं बोला था, जब मैं बोला था तब मैं नहीं बोला था, आपने पहले ही सुन कर दिया, जब मैं पहले बोला था आपने बीच में रिएक्शन दिया था, इन लोगों से सुनने का, और आप देखिए क्या है कि आप बुजुर्ग है, वडील है, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, आपने मच्छरों का नगरी बना दिया, इनका जो सवाल था, सात गांव जो है, मुझे मालूम है गांव वालों ने मीडिया में इंटरव्यू दिए थे कि क्यों उनको कॉर्पोरेशन की हजमे नहीं आ रहा था, क्योंकि कॉर्पोरेशन में टैक्स भरने के बावजूद वो तो मैं नहीं मिलती है, 25 साल से एक ही पार्टी का शासन है, फिर भी आज मुद्दा वही है, और जानबूझ के मुद्दा क्या है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा बेसिक फैसिलिटी है, कमाई से टैक्स भरती है, और इन लोगों ने 25 साल से वडोदरा को विनाश कर दिया, विकास के नाम पे विनाश किया है, आज जनता ये, और जो अभिमन्यु जनता इसलिए जनता इनके प्रदेश अध्यक्ष है, आपके प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाषण में कहा किया है, इसलिए बाइक वोट दे, हमारे सदस्य चिंता कर रहे हैं, हमारा चिंता का किचन है, इनके पीसीसी प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया कि पानी का जो प्रॉब्लम है हम आने वाले दिनों में एक्सेप्ट करेंगे, 25 साल से अब एक्सेप्ट करो, चिंता में आप मीटिंग एक्सेप्ट करो, हम कहते हैं आप क्या करते हैं, आप जब चुनाव आता है आपको लव जिहाद याद आता है, आपको आप मुद्दे की बढ़ावा दो, आपने विकास क्या किया, आप बढ़ावा दो, विकास क्या किया, आप लव जिहाद को बढ़ावा दो, हमें समझ नहीं आते, जीतू भाई आप हमसे खिलाफ है, हम तो कानून भी लाएंगे, एक मिनट सर, आप दोनों को कहना चाहूंगा कि अपने संस्कारी नगरी के आप दोनों नेशनल पार्टी के प्रवक्ता हो, सबसे पहले अपने मुद्दा की बात, आपके प्रधानमंत्री जी से तो मेरी बात हो गई, मैं ऋतिक जी से पूछना चाहूंगा,
25 साल से ही क्यों बीजेपी का शासन, इतने सारे मुद्दे होने के लिए। जीतू भाई पहले इनको जवाब देने दे, फिर उसके बाद आप अपना सवाल बोल जाएंगे। प्रश्न जवाब उनसे भी मैं बात करूंगा, वो स्टूडेंट है, मैं रिपीट से पूछना चाहता हूँ, इतने सारे मुद्दे, मूलभूत जो जरूरियात है नहीं मिल रही है साहब, पब्लिक भी बोलती है, बैनर्स भी लगते हैं, तो चुटकी का बहिष्कार करके वोट नहीं देंगे, मतलब फोड़े जाते हैं, कांग्रेस हजारों आंदोलन करके बैठे, आपने बोला कि हम लोगों ने लोगों का रिव्यू लिया, उसके उत्पाद से हमने मेहनत कर बनाया, ठीक है, 25 साल तक इतने आंदोलन करने के बावजूद भी आप सत्ता पर क्यों नहीं आ रहे, क्या खामी है, क्या आप बड़ौदा की जनता चाहती है उसको समाधान नहीं ला पाए, आपके पास वो नेतागिरी नहीं है, सबसे पहली बात, अच्छा नेता होना जरूरी है, अगर आपके पास नेतागिरी नहीं, ये प्रूव कर रहा है कि 25 साल से इनके पास अच्छे नेता है, तो लग सकता है। देखिए ऐसा है कि 25 साल से सवाल में कुछ और जोड़ लेता हूँ, इनके पास नेता होते भी है तो भारतीय जनता पार्टी में जाके मिल जाते हैं। वो तो सब लोग ऐसे हैं, देखो जैसे भी संजीव जी ने बताया वो पार नहीं, उसे भी एक मिनट मिनट पांच साल में तीन इलेक्शन आए थे और डेढ़ साल को एक इलेक्शन का फ्रेमिंग पहले से किया गया है संविधान के अंदर कि भाई जैसे ही आती है तो स्थानीक स्वराज क्या थे, उसके बाद विधानसभा आती है डेढ़ साल के बाद, उसके बाद डेढ़ साल के बाद लोकसभा आती है। बड़ौदा की ये ऐसी परिस्थिति है के रिपीट जी शायद स्वीकारेंगे कि 2015 के अंदर वडोदरा शहर कांग्रेस प्रमुख ने सत्ता, उन्होंने जो बने प्रमुख, उन्होंने तीनों तीन इलेक्शन आए उनके द्वारा, दो पेटा चुटनी आई, विधानसभा आई पांच, और एक लोकसभा में खुद लड़े, इतने आंदोलन करने के बावजूद भी कहीं पर नहीं जीत पाए, इवन जो जीती हुई सीट थी कॉरपोरेशन की एक, वो भी हार गए, तो वजह क्या, इतने सारे मुद्दे हैं, पब्लिक का प्रॉब्लम है, पब्लिक के पास जाते हो, मुद्दे उठाते हो, फिर भी आप जीत क्यों नहीं पा रहे, सबसे बड़ा सवाल आगे खड़ा है मेरे, पब्लिक को परिवर्तन चाहिए, लेकिन परिवर्तन कब चाहिए, कि उसको ऐसा सामने नेता होना चाहिए, ये पब्लिक का ओपिनियन हमारे मीडिया के पास आया है कि भाई है, लेकिन दूसरा विकल्प भी होना चाहिए ना, ऐसी परिस्थिति आके बड़ौदा के अंदर खड़ी थी, एक मिनट में आज बड़ौदा के अंदर ऐसी परिस्थिति आई है कि विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, तो क्या बताएं, उनको लेना है सत्ता की कुर्सी हासिल करनी है, और इसी वजह से एक बात बताइए ऋतु भाई, सत्ता में कोई भी आता है, राजनीति में कोई होता है, साधु बनने तो नहीं आता है, हमें सत्ता चाहिए, नहीं सर एक मिनट, किसी भी तरह से सत्ता को चाहिए, राजनीति में आप हैं, एक मिनट एक मिनट सर, अब बोलो आप राजनीति में हैं, एक नाम में जवाब दीजिए, आप राजनीति में है, पब्लिक को जनता का जवाब, एक मिनट हाँ जनता का ही जवाब दे रहा हूँ, क्यों जनता का जवाब दिया, आपको नहीं इस बार मालूम पड़ जाएगा, हाँ इस बार मालूम अभी हो जाएगा, अभी मेरे जवाब में मालूम पड़ जाएगा, अगर अगर ये सभी बच्चे बैठे हैं मेरे जवाब में मालूम पड़ जाएगा, अगर हम ये कहते हैं कि भाई साम दाम दंड है तो आपको किसने रोका है भाई, राजनीति में कुछ करो ना, हम करते हैं, तो एक अच्छा जीतू भाई का जो जवाब है कि एक अच्छा विपक्ष बनकर क्यों नहीं उभर रहा है, कोई लीडर क्यों नहीं उभर रहा है, और बीच में कई नाम आए थे जीतू भाई, बीच में कुछ नाम आए थे कि बड़ौदा के कई कद्दावर कांग्रेस से नेता भाजपा में मिलने जा रहे थे, वहां को फिर बाद में मना करना पड़ा, पता ही सर नहीं ऐसा नहीं है, ये बीजेपी ने पूरी उनकी साजिश थी, बाकी कोई कद्दावर नेता गया नहीं, और वो जो भी नाम मिल रहे थे आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का देखिए भाई साहब आप ही बोलेंगे, जरा डिस्टर्ब मत करो, आप इनको बोल दीजिए साहब, मैं बोलूंगा आपको मालूम है ना, फिर मैं बोलूंगा तो आपको बोलने नहीं दूंगा, सॉरी सर, जाते ना बोलिए ना, आज बोलिए, चलो आज बैटिंग करते हैं भैया, करने आए हो बैटिंग, चलिए जरा सुनना, जरा जवाब दूसरी चैनल में हाथ जोड़ते हैं कि भाई इनको मत बुलाना, बड़ौदा के लोग जवाब सुनना चाहते हैं, मेरे पास वीडियो नहीं, बड़ौदा के लोग जवाब सुनना चाहते हैं, बड़ौदा देखिए कांग्रेस पार्टी का जो आजादी के पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि जब 1885 में स्थापना हुई ना, तो पहला हमारा उद्देश्य था देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद की बात करो, और सर हम कांग्रेस पार्टी का जन्म, कांग्रेस पार्टी का जन्म इसलिए बोल रहा हूँ, अंग्रेज ने किया था 1885 में कांग्रेस पार्टी का जन्म सेवा के उद्देश्य से हुआ था, सत्ता के लिए नहीं हुआ था, हम सत्ता के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, हम सत्ता के लिए लोगों एक लड़ेंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन झूठ बोल के झूठ बोलने वाली राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये मेरा जवाब है।
चलिए अब पंचोली जी पे आते हैं। केवल मैं सर आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था कि पिछले 25 सालों में कांग्रेस क्यों सत्ता पर नहीं आ रही, तो मेरा जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7/365 डेज काम करने वाली पार्टी है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता है सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भले वो छोटा कार्यकर हो बड़ा कार्यकर हो। इस बार हमारे पहले हमारे पेज प्रमुख बने थे, इस बार पेज समिति बनी है। हर घर से एक आदमी हमारे पेज समिति में जुड़ा हुआ है। हम कोई बारिश में निकलने वाले मेंढक नहीं है कि जो केवल बारिश आता है इलेक्शन का मौसम आता है तभी निकलते, वो कांग्रेस वाले लोग निकलते हैं क्योंकि हम तो 365 डेज काम करते हैं। ये लोग केवल बारिश में सब इलेक्शन का माहौल आता है तब निकलते, इसलिए इनको सत्ता नहीं मिलते ही है। इन लोगों को सत्ता क्यों नहीं मिलती है क्योंकि इन लोग हम तो सत्ता सबके सत्ता है भाई। हम दो इंच बारिश में हिंदुस्तान की सत्ता है, हिंदुस्तान का सत्ता है। आपको सत्ता चाहिए, आप केवल इलेक्शन के वक्त पे दिखते हो। हम लोग हैं, हम अहंकारी हैं, हम अभिमानी हैं, आम आदमी का कार्य किया है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया है, करोड़ों लोगों को गैस दिया है, करोड़ों लोगों को शौचालय दिया है, महंगाई लोगों को रोड दिया है, ट्रैफिक दिया है। छोटे से बड़ा वर्कर कार्यकर्ता है, ये लोग केवल चुनाव के वक्त दिखते हैं, इसीलिए इनकी सरकार आंसर। और अब हम बात करते हैं, हमारे साथ में स्टूडेंट लीडर है जो कि ये पहलू रखे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। बड़ोदरा एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि स्टूडेंट का है। एमएस यूनिवर्सिटी से लेकर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मेरे साथ हमारे एक साथी पत्रकार हैं प्रशांत नायर। तो मैं प्रशांत तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप राकेश से सवाल पूछिए, आप एज ए स्टूडेंट क्या चाहते हैं इस शहर से, और राकेश आप क्या चाहते हैं कि इस शहर में चाहे शासक दल हो या विपक्ष हो, बड़ोदरा की जनता और बड़ोदरा के लोग और बड़ोदरा का विद्यार्थी क्या मानता है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ वादे हुए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, आप अपना सवाल पूछें। राकेश जी, जैसे आप देख रहे थे सबको सामने ही है, जब पब्लिक फोरम में दो बड़े बिग पार्टीज के नेता आते हैं, संस्कार नगरी बोलती तो है बट हकीकत में कुछ ऐसा होता है, डिबेट को एकदम जो मुद्दा होता है उससे हट के हम कोई और मुद्दे पर बात करते हैं। स्टूडेंट यूनियन या जितने भी यूथ है उनका क्या कहना है, अब इलेक्शन आ रहा है, अब मुद्दे वही है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है और बाकी जो मुद्दे, बारिश में वही खड्डे हो जाते हैं रस्ते पे। हम क्या चाहते हैं, अब इसका सोल्यूशन चाहते हैं। अब इसका सोल्यूशन कैसे आए, बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कांग्रेस ऐसी ऐसी पार्टी नहीं हो आ पा रही जैसे जीतू जी ने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो सकती है, क्योंकि इट्स अ गुड ऑपोजिशन दैट मेक्स अ गुड वर्किंग पार्टी। सो आपका क्या कहना है सर? बस इतना कहना है कि जो मुद्दे अभी चल रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हुए कोई यूथ को सिर्फ हंसी के अलावा कुछ नहीं आएगा क्योंकि उनको ये मुद्दों पे कोई इंटरेस्ट नहीं। उनको जो उनको चाहिए वो मैनिफेस्टो में कहीं दिख नहीं है। अब बात करें 2014 में जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था तब शायद लोकसभा का इलेक्शन था, तब भाजपा ने कांग्रेस से उसके 60 सालों का हिसाब मांगा, उन्होंने दिया नहीं दिया पता नहीं, एक पार्टी जीत गई। अब जब आज 2021 में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है तो कांग्रेस भाजपा से 25 साल का हिसाब मांग रही है, वो देंगे नहीं देंगे आई डोंट नो, बट इसमें यूथ कहाँ पर, वही रोड रस्ते जो लोकसभा में थे वही रोड रस्ते कॉर्पोरेशन में भी है, वही मुद्दा तब भी था वही मुद्दा आज भी है, लेकिन यूथ कहाँ पर है कहीं नहीं दिख रहा। जितनी भी योजनाएं आ रही है, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है वो स्टूडेंट तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही उसका शायद कोई देखने के लिए नहीं। आज मैं बात करूं 2013 में जब मैंने 12th कंप्लीट किया था तो नर्मदापुर में मैंने सबमिट करवाया था, जो जॉब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे जहाँ नौकरी करवानी होती है वहाँ से तुमको फोन आता है जब भी तुम्हारे लायक जब जॉब आती है, आज तक कभी कॉल नहीं आया उस चीज़ को लेकर। दूसरी एक बात बोलना चाहूँगा कि एक घर में 5 सदस्य है, जैसे माताएं होती हैं उनको गैस का भाव बढ़ता है कम होता है उनको इफेक्ट करता है, पानी आता नहीं आता वो इनको इफेक्ट करती है, जैसे हमारे पिताजी होते हैं उनको इफेक्ट करता है कि महंगाई कितनी है उनको सैलरी कितनी है वो इफेक्ट करती है, लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स को क्या इफेक्ट करता है वो कभी किसी ने सोचा या नहीं सोचा। आज जब हम मैनिफेस्टो देख रहे हैं,
अब मैं बात करूं कॉर्पोरेटर की, कॉर्पोरेटर का काम सिर्फ रोड रास्ते गटर लाइन ये सिर्फ इसी के लिए है कि उसके विस्तार में स्टूडेंट्स नहीं रहते क्या, उनके एरिया में बच्चे नहीं रहते जो पढ़ते हैं, तो उनके बारे में क्यों कब नहीं सोचा जाता। अगर हम यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फेयर कर सकते हैं, जॉब फेयर कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में कंपनी को लाके प्लेसमेंट करवा सकते हैं, तो एक कॉर्पोरेटर जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है वो अपने एरिया के बच्चों की एक लिस्ट बना के उनको जॉब नहीं दिला सकता, या फिर उनके लिए कुछ ऐसा अच्छा क्यों नहीं कर सकता। एक सिंपल सी बात है, कब तक तुम चुनाव रोड रस्तों गटर लाइन पानी गंदा ये समस्या है 1947 से जब देश आजाद हुआ था तब से चल रही है और आज भी चलने वाला है। मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ, बिना देखिए 1947 से ये समस्या चल रही है अभी तक वही मुद्दे बने हुए हैं। ये देश है मेरा, ये भारत महान देश है मेरा, और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप अपना सवाल पूरा कीजिए, फिर नोटा के प्रत्याशी भी पूछेंगे, नहीं जनता जनता की भी आवाज सुनी जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा, उससे पहले राजीव जी भी ले लेंगे और फिर संजीव जी जवाब देंगे उसका। हाँ पूछिए। ये समस्या तब से चली आ रही है, लेकिन देश का विकास कब होगा? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम, मुझे पहले तो नहीं पता कांग्रेस के शासन में क्योंकि तब तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन भाजपा के राज में भी जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैं देखा स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन हम तक क्यों नहीं पहुंच रही, और पहुंच भी रही है तो वो सिर्फ बैनर पे पोस्टर पे या फिर लिमिटेड जगह पे पहुंच रही है, मार्केटिंग हो रहा है, प्रचार हो रहा है। मुझे मोदी जी इसलिए अच्छे लगते हैं कि जब भी मैं देखता हूँ 2014 से अभी तक, मैं जब भी बड़ा हुआ हूँ 2014 से यूनिवर्सिटी में आया, मुझे एक चीज उनकी अच्छी लगती है कि जो भी कुछ करते हैं उनका प्रचार बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन मैं उनके नीचे के लोगों को कहना चाहूंगा, कोई व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, वो सोच रख रहा है, वो उसको एक अलग तरीके से रख रहा है, लेकिन उसके नीचे के लोग नहीं। मोदी जी आप स्टूडेंट हैं, मोदी जी से मार्केटिंग मैनेजमेंट तो वही बोल रहा हूं कि मोदी जी जो मार्केटिंग करते हैं वो मुझे पहले से अच्छे लगते हैं कि मार्केटिंग के लेवल पे अच्छे, लेकिन वो जो उनके लोग हैं जो कॉर्पोरेटर है, एमएलए है, जो सांसद है, वो कभी हमसे आके हमारे एरिया में आके कभी कभी आज तक नहीं पूछा गया कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या किया। तो मेरा बस और यहाँ बैठे हर एक यूथ का ये है कि जब फीस बढ़ोतरी होती है हम लोग लड़ते हैं, तब तो कोई एमएलए कोई कोई नहीं आके खड़ा रहता, तब हमको ही लड़ना पड़ता है। कोरोना की ऐसी कपरी स्थिति में हम लोग जब फी कम करने की डिमांड करते हैं, तब कुछ ऐसे कॉर्पोरेटर है, कुछ ऐसे लोग है या कुछ ऐसे एक्स स्टूडेंट लीडर है जो हमेशा वहां आके खड़े रहते हैं, लेकिन वो जवाब कुछ लोगों की नहीं है, वो हर एक व्यक्ति की है जो वडोदरा में रह रहा है, कि हर एक के बच्चे वहां पढ़ते हैं। हम इतना मानते हैं, यूथ इतना चाहता है कि हमारे भी मुद्दे उसमें लिए जाए मैनिफेस्टो में, हमारी भी आवाज सुनी जाए। तुम यूथ को टिकट दे सकते हो, लेकिन यूथ को क्या चाहिए वो तुम नहीं दे सकते। हमको चाहिए स्कॉलरशिप, हमको चाहिए जॉब, हमको चाहिए कि हमें हर एक क्षेत्र में जगह मिलनी चाहिए, जैसे महिला आरक्षित है, जैसे पुरुष आरक्षित है, ST/ST OBC आरक्षित है, इसलिए रखो कॉर्पोरेशन में भी रखो कि 25 साल के नीचे वालों को टिकट देंगे, इतने परसेंट टिकट देंगे, इतनी जगह पे इतने लोगों को देंगे, वैसा कहीं नहीं देते। आज वडोदरा में कॉर्पोरेशन लड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 22-22 साल के लोग भी कॉर्पोरेशन में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वहां। इसी तरह दोनों पार्टी में आप जो भी आगे का इलेक्शन हो उसमें कोटा बनाओ कि हम भी 22-25 साल के, क्योंकि वही लोग हैं जो बच्चों के बीच में रह रहे हैं, बड़े लोग हैं वो बच्चों को सुनते हैं लेकिन चले जाते हैं, हम लोग वहां रह रहे हैं, हमको भी पूछा जाए क्या है। आज हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सेल हैं, सब बंद पड़े हैं, कोई भी लोग वहां आके पूछा नहीं है, गवर्नमेंट वहां की आज तक पूछा नहीं, फंड हर साल रिलीज होता है, हर साल करोड़ों रुपए वहां दिए जाते हैं, गवर्नमेंट ने आज तक उसका हिसाब नहीं दिया, ना ही यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं दिया, पैसा हमारे लिए था ना, वो खर्चा हुआ नहीं हुआ। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी मैं बोलना चाहूंगा कि रोड रास्ता गवर्नमेंट को भी और सभी जनता को, सभी यूथ को बोलना चाहूंगा इस माध्यम से कि सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी के सिंबल पे या फिर जो उनका मैनिफेस्टो होता है उस पे वोट मत दो। पहला चीज ध्यान रखना चाहिए उसने क्या किया है और क्या करने वाला है, लेकिन सही में वो चीज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा सबसे मेन चीज है कि वो चीज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो उम्मीदवार सक्षम होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके पास्ट में जो भी उसने काम किया उसको देख के वोट करें, ना ही किसी पार्टी के सिंबल पे, यानी ये सब ध्यान में मुद्दे लेने चाहिए, बस इतना ही। संजीव जी इसका जवाब दीजिए, फिर हम राजीव जी कराते हैं। देखिए आपने मतलब बहुत बेहतरीन हिसाब से युवा दिलों की धड़कन को समाज के सामने रखा है। इट्स रियली आई ओपनर, आई एम मस्ट कांग्रेचुलेट यू। देखिए सर 25 साल लग गए आप खुलने में। नहीं, अभी वही बात कर रहा हूँ, मेरे आंसर के बाद भी तालियां बजनी चाहिए।
मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कोशिश ये हमारी कोशिश ये है कि हमारे सीआर पाटिल जी ने इस साल एक मैंडेट लाए पार्टी में कि जिस जिसकी 60 से ज्यादा साल की उम्र है उसको पार्टी टिकट नहीं देगी, समझिए। और काफी सारे बड़े बड़े नेता उसमें से बाहर निकल गए, 19 साल के कांग्रेस को छोड़ के 19 साल का श्रीरंग आयरे सबसे यंग उम्मीदवार है। हमारे अकोटा विस्तार में स्मित पटेल यंग उम्मीदवार है। ऐसे बहुत सारे यंग लोगों को हमारी पार्टी ने मौका दिया है, तो मेरी गुंजाइश होगी कि युवा लोग पार्टी ने जो ये कार्य किया है तालियां जरूर बजाएं। दूसरा ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने कभी युवाओं के लिए कांग्रेस का कोई नहीं सुना होगा, युवा स्वावलंबन योजना किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने। स्टार्टअप योजना किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने। स्टैंडअप योजना किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने। मेक इन इंडिया के तहत युवा लोगों को प्रोत्साहन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो भैया भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए बहुत कार्यशील है, बहुत चिंतित है, उनकी योजनाएं बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा अगर आपको कोई दिक्कत है। मेरे को समाप्त करने दे। और आप हर साल 330 रुपया भरोगे तो आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 18 साल से 70 साल के लोगों के लिए, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। तो युवाओं को संबंधित अगर किसी पार्टी ने किया है, मैंने जो 5 बातें कही है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप भी इस बात पर मेरे साथ में सम्मानित हो गए। मेरा एक सवाल है, बहुत टाइम से मैं पूछना चाह रही थी कि अगर आप युवा की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर पॉलिटिशियंस कैन मैक्सिमम थिंक इज टू डेटिंग प्लेसेस फॉर यंग पीपल। अगर आप युवा को खड़े रखे तो खाली इस चीज के लिए थोड़ी ना युवा है। सही है, हमने किया है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, युवा स्वावलंबन प्रोग्राम कर दिया। आप एज अ नेशनल पार्टी मैक्सिमम युवा लोगों के लिए क्या डाल रहे हो मैनिफेस्टो में? डेटिंग प्लेसेस, इजंट दैट ग्रेट, टू मच ग्रेट? एंड मेरा मेरे को ये पॉइंट ऑफ व्यू राकेश के, हर एक प्रकार के युवा है, कोई युवा है जो अपने करियर के लिए फोकस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इसी काम के लिए जाते हैं, तो मैनिफेस्टो में इस प्रकार का है? मुझे तो मेरे ध्यान में नहीं है, बट नहीं भी रखोगे तो भी करने वाले हैं जो करते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में उस चीज को ना लिया जाए। वन लाइन में सवाल को दोहराता हूँ, क्या कांग्रेस ये समझती है कि आज का युवा यानी कि वडोदरा का युवा सिर्फ इस लायक है कि उसे डेटिंग डेस्टिनेशन दिया जाए? जवाब दीजिए सर। नहीं देखिए, मैनिफेस्टो अगर आपने पढ़ा हो तो सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं है, यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे मुद्दे हमने उसमें लिए हैं, और इसको जरा अलग तरीके से यहाँ पे लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के वक्ता और सब लोग, कल से मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में अलग अलग बातें कर रहे हैं, मीडिया चला रहा है, नेगेटिव नहीं, हम क्या चला रहे हैं? अभी देखिए बीच में बोल रहे हैं, अभी ये बीच में बोल रहे हैं, अभी आपको मैं बोलने भी नहीं दूंगा अगर आप बोलेंगे, अभी आपके पास बोलने जैसा भी नहीं दूंगा, आपके पास अभी बोलने जैसा कुछ नहीं है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया, फायदा कितने लोगों को हुआ, युवाओं को कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने जगह पे इंप्लीमेंट हुआ, ये बात करो। मैंने बहुत कांग्रेस पार्टी आप जाइए ना, आप जाइए नहीं होता तो हमसे मिलिए, मैं उनका गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, नहीं होता हमसे मिलिए, कहां से मिला, घर से मिले, हमारा कार्य नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा घर नहीं है, पहले कोरोना से पहले 20 लाख लोग बेरोजगार थे, रजिस्टर ग्रेजुएट कोरोना से पहले, और ये कोरोना की महामारी के बाद 7 साल का लोग बेरोजगार है, 7 साल से 7 साल से बेरोजगार है। चलिए अब हम राजीव जी पे आते हैं, ये पूरे मुद्दों में, ये पूरे चुनावों में 25 साल बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी उभर के आ रहा है जो ये कह रहा है कि क्यों हम कांग्रेस को वोट दें जो मजबूत विपक्ष तक नहीं दे पाया, और क्यों हम भाजपा को वोट दें जिसने 25 सालों में हमें सड़क तक जो नहीं दे पाए। तो राजीव जी क्या कहेंगे आपका सवाल सत्ता पक्ष से भी हो सकता है, आपका सवाल विपक्ष से भी हो सकता है, संक्षिप्त में। आज वाले को वाज बिल्ट इन 1892 विद अ कैपेसिटी ऑफ 3 लाख पीपल, राइट नाउ वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख
and the BJP government over the 25 years has not even thought about expanding that lake. That is one point. Secondly, the bridges designed in Baroda are, some bridges are so bad that they have got traffic policemen on the bridge. I have traveled the world, I have never seen such bridges across the world, and they are a traffic nuisance actually. Third thing is the water issue. We are one of the top most polluted states of the country, so we are number one in pollution. Baroda ke aaju baaju 11 JADC hai. आप किसी ने भी प्रदूषण का पॉइंट बोला ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही नहीं है दैट पोल्यूशन इज द बिगेस्ट किलर. इट इज नॉट वाटर, इट इज नथिंग एल्स. वी आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द टॉप 10 सिटीज एंड बड़ौदा इज डाइंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. 11 जीआईडीसी है, उसमें से 9 जीआईडीसी में प्रदूषण प्लांट्स है, सिरखी पादरा वगैरह में वाटर इज रेड, वेजिटेबल्स आर स्पॉइलिंग एंड मोस्ट पीपल डाई ऑफ पोल्यूशन. नंबर वन किलर इन द वर्ल्ड, कांग्रेस डिडंट से एनीथिंग अबाउट इट, द बीजेपी डिडंट से एनीथिंग अबाउट इट. Then we come to the youth. Paisa wala na chokra hai na foreign jaa kono hai. Every second building has got Canada, USA, again. Middle class, upper middle class, and the poor, they have to stay here. Now, because of prohibition, daru bandi, jee gali gali daru mala hai. Gerard sahab kahi to Rajasthan ya haki kar se. Daru bandi ne lide, nakli daru pi ne lakh crore ko mare se na. Aap party 25 varsh thi raj kar se, aur jo bhi nakli daru pi hai se. Swatantra Bharat ma, mara ghar ma usu khawti hue maro hak se. દારૂથી બંધીની નામ પર કોંગ્રેસ અને ભાજપ બે એક મોટો ખેલ રમી રહી છે. નોટા કેમ કરવાનો? આ લોકોની ડિબેટ સાંભળીને તમને અંદાજ આવી ગયો છે નોટા કેમ કરવાનો? આવા નેતા જોઈએ મારે? આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ વોટ ફોર ધેમ. લેટ અસ ટોક ટેકનિકલી, લેટ અસ ટોક ડેટાબેઝ. ઝઘડા શું કામ કરીએ છે? રાજીવ સાહેબ બોલતા હતા, તમે બોલો, બધા વારા ફરતી બોલે. રાજીવજી, રાજીવજી, આપ નોટા કે લીએ આપકો આમંત્રિત કિયા ગયા હૈ. મેરા આપસે એક સવાલ હૈ કે ઉસકા પર્સેન્ટેજ કિતના બડા હૈ અભી તક નોટા કા? 2017 માં 1.5% થી 1.5% નોટા થયેલું. અમારું ટાર્ગેટ 5% નોટા છે કોર્પોરેશન ઇલેક્શનમાં. ઇન કેસ વી અચીવ ઇવન 3-5% ઇન બિટવીન દેટ, ધેર આર લોટ ઓફ પીપલ લાઈક યુ આર કેમ્પેનિંગ ફોર નોટા. ધ રીઝન ઇઝ ટુ કન્વે અ મેસેજ ટુ બીજેપી એન્ડ કોંગ્રેસ એન્ડ સ્ટુડન્ટ લીડર્સ એન્ડ આપ એન્ડ એક્સેટ્રા દેટ ગાઈઝ ધીસ ઇઝ નોટ ધ વે વી વોન્ટ ધ પોલિટિક્સ ટુ પ્લે. સો વી 5% ઇઝ અ ટાર્ગેટ. અગર હમ થોડે ભી સક્સેસ હો કે ઇલેક્શન મેં તો 22 કે ઇલેક્શન મેં હમારી માંગે જો હૈ ઇક્વલ રાઇટ્સ કી, पॉल्यूशन की, एम्प्लॉयमेंट की, यूथ को डेटिंग साइड की, वो हाईलाइट किया मीडिया ने. साफ की बात बराबर है, देयर आर अदर थिंग्स ऑन द मैनिफेस्टो, आई रेड द मैनिफेस्टो, बट द मीडिया हैज हाईलाइटेड दैट थिंग. यूथ नीड्स टू लिव, देयर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस. वी आर नॉट दैट यू जी राजीव, मैं इसमें बात रुकना चाहूंगा. दो दिन पहले मुझे किसी का फोन आया था, किसी यूथ का आया था, यूथ की बात थी. मुझे पूछा गया कि नोटा का मतलब क्या है. मैं संजीव जी से भी पूछना चाहूंगा, ऋतुजी से भी पूछना चाहूंगा कि ये नोटा का अवेयरनेस अभी तक भी उतना क्रिएट नहीं किया है. Because the election commission is not doing enough. It is the duty of the election commission. Why? Who propagate nota along with vote for Baroda, vote for Baroda. Vidhan kya, they have put up hoardings. वो छात्रा संसद करके है, वो बरोड़ा ने वोट किया, ये किया. अरे घर पे बच्चा आया हुआ है. Damn it, you also propagate nota ne. Nota is a button given to people like us who are completely frustrated. I mean, all BJP voter. मोदी जी को 2007 में मैंने एक डिबेट में बोला था, इज द नेक्स्ट फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया. आई एम सो लेट डाउन. वो ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ पे 100 रुपए तक पेट्रोल जा रहा है, पीपल आर नॉट इवन रेजिंग देयर वॉइस. गुंडाओं ने टिकट आपको, तमे साहब, तमे आप भाई एवं कहे कांग्रेस साहब ने ऐसा बोला कि शार्प डन डन टाका तो हमारी साथ करीब बताओ तमे. पर अमे थी ना, अमे माइनोरिटी में से. કાયદા જલેબી જેવા કાયદા બનાવ્યા છે. કસે કસે ફરતે હેલ્મેટ પહેરી નથી પહેરી, માસ્ક પહેર્યો નથી પહેર્યો. રૂપાણી સાહેબને કોરોના થયો, શરમ આવે મને મારા મુખ્યમંત્રી સાહેબને કોરોના થયો, અમે એમને બહુ શુભકામનાઓ મોકલી. This is the way you lead us. I mean, it's the 21st century. We are social media, we are somewhat there are hundreds of channels. People instant, I have come here, જે ડિબેટ કરતા હતા, I have already made it viral. Already 5,000 people have seen it. This is the way to talk. I have voted, my father has, my mother named me after Rajiv Gandhi. I was born in 1972. My parents voted for the Congress. I voted for the BJP. I am frustrated. I am green card pacho api nahi aayo chu. And tumhe youth ni baat karo sahib. If you want to debate, I'll show you data what the youth is up to. We are number one in alcohol consumption. We are number one in drugs. Now, if you see the police force, it is 60% of the police force. If you see pollution, we are number one. They don't talk about issues. SAS bhi kab hue, pehle kai serial aa raha tha Star Plus par. This is what you guys do. Let's talk muddo baat kar. Tumne bola policy design kar, corporation ko elections hai. I am ready to work free with my team, come up with data that this is how you do policy design. Ye thakpo ji nahi, because any andar bhi politics aa jaise pachi.
भ्रष्टाचार है, वी आर नंबर 86, वी आर नंबर 80, वी आर नंबर 86 इन द वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वी आर नंबर 142 इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वी आर नॉट, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग वी आर रॉन्ग और आई एम राइट, आपने बधाए परिवर्तन करू पड़से। कॉर्पोरेशन इलेक्शन 25 वर्ष में आ भाई कहूं कि बड़ी बहुत सोसाइटी में लख्यू है कि भाई हमें भ्रष्टाचार अपने बहिष्कार करो इलेक्शन, ही इज राइट। इतना टायर शू करे माणस सवा ते सात पांच दस हजार की नौकरी करे और पछी तमारा लोगों की पॉलिटिक्स में पड़े, गबरे जाए माणस ना पड़े साहब, थाकी गया छे। मधु श्रीवास्तव नो मैं इंटरव्यू जोयो तो अपने कोई नहीं पर के कोई प्रेस वाला साथे बात करता थे साहब, आ के भाषा वापरे साहब, दिस इज नॉट पोलाइट, यू गाइस आर पॉलिटिशियंस, हमें वोट आपे तो भाई होगी तो भाई इज्जत ओछी बेची करी तुमने। देयर आर इश्यूज, द पॉलिटिशियंस नीड टू लिस्ट डाउन द इश्यूज, द यूथ, we are 36% sir, you are in the 36% bracket, so you are only have some chemical industries where you can get employed, tumhe creative industries jo film industry jo tourism industry jo the, it's not developing, video editor hire karo sahab ne pucho kitni takleef pada hai, they just migrate, we have a solid brain drain issue, I am 47, hame to badhu jindagi jeevi lidu chhe, hu daru pito nahi, I know lakhs of people according to WHO 32% loko officially daru piye 18 varshi moti umar. Why are you not removing prohibition? Congress ne puchse Gandhi Babu. Are Gandhi Babu e kahu nahi ke Gujarat ne tame pachado. Akha desh ma himmat hota karvi thi ne pa Gujarat ne pachado Gandhi nu Gujarat. Kone kahu Gandhi nu Gujarat? Maro bhi Gujarat che sahab. Ana swatantra Bharat ma Gandhi e kahu tu sachcha mat ubha thao. Satya, ahimsa. Okay, this is the two pillars of Gandhi and I'm speaking the truth. 50% plus Gujaratis drink alcohol and tame jao Jima Ayer Gothri hospital ma SSG hospital ja hajaro loko mare se daru pin nakli daru pin kitna ne pakadso 10,000 thi vadha bootle ke parse netao bhi backup kare se kya kya jo che sahab aa pani no muddo tame kaado cho ne according to niti aayog niti aayog tamne badha khabar hase by the year 2030-35 40% of Indians will have difficulty in accessing drinking water. गुजरात एक ज राज्य एवं सक्षम है जेने सरदार सरोवर है तो एक दुकान पर तो कदाच बची जैसे पर तमारे डीसेलिनेशन प्लांट्स नाखवा पड़ से एनी माटे पैसा जो से पैसा तो छे नी सरकार पास 3 लाख करोड़ नो देवो 2 वर्ष में 4 लाख करोड़ नो देवो 80,000 करोड़ फार्मर नो देवो 2 फीमेल रेशियो जो तुम यूथ की बात कर रहे हो देयर आर विलेजेस वेयर पीपल डोंट गेट गर्ल्स टू गेट मैरिड द रेशियो इज वर्स देन राजस्थान वी आर 848 to 1000 व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग मैन અને ઇટ ઇઝ સો ફોલિશ આ બધી પીલી ગયેલી જનતાઓ છે કે ડિબેટ ભાઈ શું કે છે મનકર મન કે શું ટાઈમ બગાડ્યો શું આ કર્યું શું આ કર્યું ધીસ ઇઝ વેર વી આર ગોઈંગ કરી જો તમારી સાથે બોડી જો છે જનતા કો સવાલ દેતે હે નોટા કરો લેટ મી કન્વે મેસેજ નોટા કરો ભાજપ હોય કોંગ્રેસ હોય આપ હોય યુથ લીડર હોય અમારો એક સિમ્પલ મેસેજ છે અમે 5% કરશું ના કરશે 22 માં 10% કરશું અમારા વોટ જીતો અમે આપવા માંગીએ છીએ તમને આપવા માંગીએ તમને આપવા માંગીએ પણ ઠોસ મુદ્દાની વાત કરો ને તમે અમને કઈ કહો કે ભાઈ ઇન્દિરા ગાંધી નામ છે તમને ખરાબ લાગે એ તમને કે તમને ખરાબ લાગે અરે સાહેબ શું ખરાબ લગાવવાનું ચલીએ બહુ જોયું અમે આજની ડિબેટમાં બહુ જોયું જનતા કે પાસે સવાલ લઈ આપે નોટા કરો અને આ નેતાઓને સંદેશો મોકલો लेकिन इतने सालों से जो आपके कार्यकर्ता है आपके साथ जुड़े रहे और अच्छा काम किया है उन्होंने अपने एरिया में डेवलपमेंट किया है पब्लिक उनसे सेटिस्फाइड है सब कुछ है उसके बाद अगर आप उनको टिकट नहीं दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता उनमें असंतोष आएगा मैं आपके सवाल में जोड़ना चाहता हूं मैं नहीं नहीं मैं व्हाट वी डिस्कसिंग अ सिटीजन इशू व्हाट इज दैट टू डू विद द कैंडिडेट नॉट गेटिंग अ टिकट सर ये पूरी चर्चा भी हो रही है पूरे पूरे चुनावों पे चर्चा हो रही है उसमें आपने जो सवाल पूछा मैं उसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा माना जाता था कि कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी के बाद आज भारतीय जनता पार्टी में 30% से ऊपर के लोग कांग्रेस के मिल चुके हैं बड़ी खतरनाक परिस्थिति है कब पलटी बदल के चले जाएंगे आपकी एयरपोर्ट मोहम्मद की सरकार गिर जाएगी सर और दूसरा जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपने वार्ड में उनको टिकट नहीं चलिए रिलेटिव्स को माना जो लोग मेहनत कर रहे हैं कैडर के लोग हैं आप उनको टिकट नहीं दे रहे बाहर से आए लोगों को और राजीव जी का भी सवाल है उन दोनों को मिला के आप जवाब दीजिए सर फिर हम रितेश एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया पोल्यूशन की बात की राजीव जी ने ठीक है पोल्यूशन बाकी तो शहर में पूरा दिख ही रहा है लेकिन अभी अगर हम सबसे बड़ा जो इशू है वडोदरा शहर के लिए वो है विश्वामित्री नदी उसके लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं दैट्स नॉट द बिगेस्ट इशू द बिगेस्ट इशू इज यू आर सराउंडेड बाय 11 जीएडीसीज
nine GIDCs are putting pollutants into the earth. Earth, water and sky, everything is, we are a Bhopal in the making. Why? अरे निजाम पूरा मते जाओ सुबह पूरा मते वास मारे थे रात ना. वो तो बात ही नहीं की किसी किसी ने. चलिए सर जवाब दीजिए. नहीं आपने जो प्रश्न किया कि युवाओं को और वार्ड में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया. देखिए पार्टी बहुत बड़ी हो गई. पहले आई हैड बीन इनवाइटेड टू द पार्टी बिकॉज़ आई हैड बीन एसोसिएटेड विद द एनजीओ. आई हैड बीन द पास्ट स्पीकर ऑफ द लायंस क्लब इंटरनेशनल. आई हैड बीन गवर्नर इन 2005-06 एंड देयर आफ्टर पार्टी हैज इनवाइटेड मी टू जॉइन भारतीय जनता पार्टी. आई हैड अ पॉलिटिक्स वेरी लॉन्ग बैक. आई वाज अ in an Indian leader in 1983. I was a faculty representative of my faculty in 83. उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया था. पर एक सेवाभावी संस्था के चुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि ये बंदा सेवा का कार्य कर रहा है तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में होना है. And they have invited me into the party. As the party, I would like to understand the constitution and bylaws. पार्टी का मतलब सिस्टम मुझे पता नहीं था तो मैंने वो समझा. उसके बाद में मैं जिम्मेदारी मैंने लिया. तो देखिए पार्टी जब मैं पहले जाता था शहर कारोबारी में तो 100 लोग थे. आज हमारी शहर कारोबारी या तो कोई मीटिंग होती है तो 700-800 लोग होते हैं. तो मतलब पार्टी का जो वॉल्यूम है विद इन दिस 13 ईयर्स वो 10 गुना हो गया है. वी आर द बिगेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड. तो अभी ऐसा है कि इतने सारे लोग, इतने सारे अच्छे अच्छे वर्कर्स हैं, 25-25, 30-30 साल से पार्टी का मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. तो जब इलेक्शन, जब चुनाव आता है तो हमारे यहाँ निरीक्षकों की एक सिस्टम है, वो वहां स्क्रूटिनी होती है. तो पहले ऐसा होता था कि ST SC OBC में से अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता था. आज की तारीख में हमारे पास काफी डॉक्टर्स, मतलब उसमें काफी कांग्रेस भी है सर. नहीं नहीं देखिए लोकल लेवल पे तो कांग्रेस ही हमारे पास जो जो पार्टी से छोटे छोटे लोग जुड़े हैं वो कांग्रेस ही है. 33% कांग्रेस ही है. वो देखिए कांग्रेस ही तो जो 8 चुनाव हुए ना, जो जो अभी री इलेक्शन हुए ना, सभी सब 8-8 कांग्रेस ही थे और हमने सब कुछ चुना. भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर ने उन लोगों के साथ में रहकर उनको जिताया. बीजेपी में कोई नेता नहीं था. हाँ नेता नहीं था. कांग्रेस से लेकर चुनाव में टिकट चले जनता में. हमारा ही कांग्रेस से हुआ है. अब अब तो जाहिर में कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का जन्म कांग्रेस से हुआ है. लेकिन विचारों का मतभेद है. लेकिन नकल विचारों का मतभेद है. विचारों का नकल में अकल नहीं होती. इनमें इनमें इतने बड़ौदा में पूछो रुपये भाई से 5 ग्रुप है. हमारी पार्टी का एक मैंडेट होता है, काम हो जाता है. कोई ग्रुप नहीं है. कोई ग्रुप नहीं है. उसपे क्या करेंगे? सॉरी मित्री, अगर अभी आप फिर से आ जाते हैं तो विश्वामित्री के लिए. विश्वामित्री इज अ वेरी बर्निंग प्रॉब्लम फॉर अस. और हमारे ही और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी बड़ी जाहिर सभा में बता दिया है कि विश्वामित्री के लिए हम चिंतित है और आने वाले दिनों में इस पर कार्य होगा. अब जनता से सवाल लेते हैं. कौन पूछना चाहता है? चिंतन जी को माइक दीजिए. चिंतन जी को पहले माइक दीजिए. यू पॉइंटेड अबाउट यूथ. व्हाट इज द यूथ वांट? अ प्रॉपर स्टेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, अ कोर्स वेयर दे कैन स्टडी ओवर हियर, दे कैन कॉम्पीट विद द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एवरीथिंग. आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट हैज नॉट हैपेंड और व्हाट हैज बीन डिमोलिटेड ओवर द पास्ट. आई डोंट वांट टू काउंट द इयर्स, लीव इट टू द. सवाल ये है कि यूथ के लिए एक इंश्योरेंस दिया, ये दिया, वो दिया. सर उसका डेटा था कहाँ यूटिलाइज हुआ? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का 33,000 करोड़ का बजट था एजुकेशन का. एक साल से स्कूल बंद पड़ी है. स्कूल्स आर ऑन रैम्पेज फीस कलेक्शन के लिए. जिनको नहीं पोसाता है 400 रुपए इंटरनेट का, 4,000 का मोबाइल, ये सारे पैसे जो खर्चे किए तो 33,000 करोड़ का हुआ क्या? पहले ये बात थी, ठीक है. और वो 33,000 करोड़ जो पहले भी जो बजट था वो कहाँ यूटिलाइज किया? योजना तो सब बनाते थे. ये आपसे सवाल है. आपने योजना बनाई उसका क्या किया? आप जवाब ही देंगे.
इसका कोई सॉलिड विरोध मैंने इनकी तरफ से भी नहीं देखा है। किशोर पिल्ले जी से भी जवाब देना है। नहीं देखिए, आपने जो बात की है कि उसका अकाउंटेबिलिटी की बात करी है, तो अकाउंटेबिलिटी एवरी ईयर जब बजट होता है तो उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी भी सब डिस्कस की जाती है एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, यू कैन चेक इट। सर आपका एफआईसी का वेबसाइट पिछले कितने महीने से बंद है आपको मालूम है? उनके ऑर्डर का भी वो हम लोगों ने किया था, वो काम लोटा करो तो संदेश मुगला से लोटा करो राजनीति की चर्चा जारी रहेगी। अगर किसी का लास्ट सवाल हम ले रहे हैं यहाँ पर, नहीं जनता का लास्ट सवाल ले रहे हैं और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे, चलिए लास्ट में आप अपना सवाल पूछ लीजिए फिर कंक्लूड करेंगे हम। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने पॉल्यूशन की बात की कि जीआईडीसी पॉल्यूशन देख रहा है। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, अगर मैंने जीआईडीसी बंद करवा दी, सर ने जीआईडीसी पॉल्यूशन, कोई भी कंपनी पॉल्यूशन कर रही है वो कंपनी बंद कर रहा है, तो उसके अंदर जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट एक इशू हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरी चीज आपके लिए सर, सर मैं ज्यादा एरिया की बात नहीं करूंगा, मैं अपने एरिया की बात, हमारे वहाँ जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोग तीन चार चीजें देखते हैं, एक तो सीवेज लाइन, रोड, स्ट्रीट, ये चीज देखते हैं। मैं स्टूडेंट से हट गया हूँ, मैं जॉब में आया हूँ, मैं स्टूडेंट इसलिए स्टूडेंट्स की बात भी रखूंगा, मैं आपसे भी बात, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मेरे आंखों के सामने रोड है वो पांच साल से एक ही बंदा काम कर रहा है, हर साल यही चीज बोल रहा है मेरा रोड ये बनेगा। चलिए रोड पे जवाब दिया, जनता जनसंख्या बढ़ गया, आपको पहला सवाल जल्दी से जवाब दीजिए, इन्होंने जवाब दिया रोड पे। गुजरात है लीस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, गुजरात है लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, गुजरात मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट इज इन द पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल सेक्टर, को वी प्रोड्यूस 62% ऑफ द केमिकल आउटपुट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन गुजरात ओवर द लास्ट 25 इयर्स एंड 60 इयर्स इज एनकरेजमेंट टू एनी अदर सेक्टर व्हिच कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट हैपनिंग, whether you say tourism, whether you say hospitality, whether you say IT industry, whether you say the banking sector, you know, ये gift city बनाया ये लोग ने, जैसा कि super flop, क्यों दारू नहीं मिल रहा है? The point is environment is so right, the environment is so pathetic, it is so suppressive that the age of 47 when we Gujaratis are in 139 countries all across the world where there is no prohibition, गुजरात पाइन है हमारी साथे भेदभाव पाइन से वी आर डिस्क्रिमिनेटेड, दैट इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग दैट कैन हैपन विद द गुजराती एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई एम डूइंग नोटा, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग विद द गुजराती एंड यू विल हैव टू रिमूव प्रोहिबिशन इन द कमिंग रियलिटी इफ यू वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम, यू थिंक दैट इफ आई एम एन एडवोकेट, इफ आई वॉन्ट टू बिकम चेंज आई हैव टू कम इनटू पॉलिटिक्स आइदर फ्रॉम वन पार्टी और अदर और फ्रॉम माय ओन पार्टी, so if you get rid of politics you cannot change the system. I'm coming to you at the same time as a responsible person of a political national political party, these are all wake up signs. Yes, whether it's from the Rajiv Bhai, yes, Rajesh Punjabi, I admire him, I've been watching him from his school college days when he used to lead lot of agitations, that gentle lady put up a question, as a political party we owe a solution to all these problems, because if not, this will come, it will burst out of the yes, it's that, exactly. And mark my words, he talked about brain drain, we have a lot of reverse brain drain on some hope or the other. I don't want to go into the intricacies on what hope. We have failed them also. Big time. We have failed them also. And as a city, Vadodara has given a lot of things to all of us. We have all grown, we have all matured, we have all flourished in our trade, profession, vocation.
we owe something back to the society. It has gone worse in the last 35 years. So, you talk about Vishwamitri. 2008, we formed Vishwamitri River Front on paper. And 2021, we have a vision document again vetted by the corporation. And I understand there's a company formed and the company is now dissolved. It is not because of the pollution only from GREs, it is because the pollutants are drained into Vishwamitri. If the number of pollutants being drained into the Vishwamitri is stopped, if every penny spent on Vishwamitri River front is used in proper way, our Vishwamitri would have been one of the best rivers flowing through. We would have attracted tourism. Coming to the unemployment issue raised by both of these people, is offering to candidature a solution for the unemployment problem in Vadodara. You get rid of the, I'm talking about corporation, get rid of the contract system, appoint employees to your corporation. You can go on and on, and I'm actually given short of time, I wish I had about 5 minutes more. And the most, I feel like crying when I hear from my colleagues from BJP telling that I have learned from 25 years of my mismanagement how to give water to the people of Baroda. All of us, I'm not 68, people who are above 60 will not live to see if they have to learn from other mistakes of 25 years and give clean potable water, good roads. And Gujarat Pollution Control Board, Rajiv ji, you may not be aware, we are in the court, High Court of Gujarat, fighting against this pollution here. Sir, and it was already is it possible for an order in form? See, is it possible for a citizen of Baroda, voter of Vadodara, to approach the Honorable High Court for every small thing? Justice Ranjan Gogoi himself has said, I will not go to the court if given a chance. Where do we go? As an opposition party, we will continue to fight for the people. You defeat us, we are not bothered, we will continue to fight for the people. And we will engage all of them after the polls also. Please come down to the office, our doors are welcome. Please give your valuable inputs, we will listen, we will incorporate whatever is possible. चलिए वाद विवाद चलता रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो जुड़े रहे लोग. मैं यहाँ पर एक चीज कैसे कंक्लूड करना चाहूंगा सर, एक मिनट चलाकर हम कंक्लूड करते हैं. मैं ये कहना चाह रहा था, जब डिस्टर्बेंस होता है तो जो विचारों की जो श्रृंखला होती है कहीं टूट जाती है, मेरे साथ भी हो सकता है. तो मैं आगे कहना चाहता हूँ, कंक्लूड करना चाहता हूँ कि वडोदरा शहर में जब वडोदरा महानगर पालिका की बात होती है तो मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ी चीज आती है सड़क की जो हालत थी हर बरसात में हर बार होती है. और अगर उसका जवाब यह है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जनता को जवाब देना है और जनता ये निर्धारण करेगी कि आने वाले चुनावों में इस शहर का जो कर्णधार बनेगा वो कौन बनेगा. जनता का जो मंच होता है वो सर्वोपरि होता है, जनता जनार्दन होती है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो. आवाजें तो उठती रहेंगी, सवालें उठती रहेंगी, क्योंकि अगर सरकार मेरी है तो हक है मुझे सवाल पूछने का. ये लोगों को भी सोचना है, वडोदरा की जनता को भी सोचना है. संवाद से जुड़े रहिए. नमस्कार, जय हिंद.